हेवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जो ये आज का ब्लॉग है वो ये है कि आयुष का हो रहा है मुंडन, तो जिसके लिए सबके सब आ रहे हैं घर पे। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे सास ससुर जी है, वो गांव से आ गए थे। सूट है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर आयुष लेकर आया है अपने लिए कपड़े दादा दादी के साथ जाकर। तो उसके दादा ने उसको दिलाए हैं 2 जोड़ी कपड़े और बहुत ही अच्छे हैं दोनों सेट। काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे थे मुझको ये, ऐसा कलर आयुष के पास था भी नहीं और वो ही मिल गया। तो चेक में बस यहाँ पर देखे आयुष क्या कर रहा है। आज शाम को आने वाले हैं पंडित जी, मेरे मम्मी, मेरी बहन और मेरी जेठ जेठानी लोग शाम को पहुँच जाएंगे। और आयुष चला गया है बुआ जी के यहाँ पर दादा दादी के साथ अपने। वेलकम होम सोनी। तो मैंने यहाँ पर सबके लिए बना दी है चाय और अब सब साथ मिलकर चाय पियेंगे। ये है हमारा छोटा मंकी। हेलो, ये तो सच में मंकी लग रही है। हनुमान क्लैप 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 करना क्लैप। इसके बाद हमने खाना खाया रात का और इसके बाद सब सो गए यार, सबके सब नीचे, कोई ऊपर, कोई कहीं, कोई कहीं। ये है नेक्स्ट डे का शूट मॉर्निंग का, जहाँ पर आलू के पराठे बने और सब नाश्ता कर रहे हैं। आयुष का मुंडन उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से होता है, हल्दी वगैरह लग के, कथा वगैरह जो भी होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो इनके ताऊ जी हैं सबसे बड़े वाले, वो भगवान जी को प्यारे हो गए हैं और उनको लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। अभी एक फसल कट चुकी है इसलिए हमने आयुष का मुंडन करवा दिया है और उसको हल्दी वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ उसके बाल काटे हैं और ये गृह पूजन उसका किया गया है बस। ओम दशनात्मे तपन्तदाय नमः भारतनात्मे तदसमन्ति संतोषः ओम अवतारपत्तानि प्रकाशः सर्वदेवं सर्वेषां देवतेन पूजे कोई भाई बड़ा भाई नमः मासः भूताते तदसमादिते पादकस्य मुण्डन। तो अभी यहाँ पर आयुष सो गया था, अभी इसको उठने का वेट किया, इसके बाद इसके बाल काटे। तो आयुष ना मुझे लग ही रहा था कि हम सबको नहीं लग रहा था कि आयुष आराम से ईजिली अपने बाल काटने देगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दही, ताकि जो बाल है वो कटने में मतलब दिक्कत ना हो और सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो दही है उसको अच्छे से आयुष के सर पर मल दिया है। और यहाँ पर आ गए हमारे जेठ जी, जिन्होंने मतलब सोमी का भी बाल काटे थे और वही आयुष के बाल भी काट रहे हैं। तो बस सब ठीक है, लेकिन आयुष ने ना आराम से, बिल्कुल आराम से अपने बाल कटवाने दिए, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और आज ही के दिन इसके बाद जैसे पूजा कथा हो जाएगी, आयुष के बाल कट जाएंगे, इसके बाद जो हमारी छोटी है शानवी, आज उसको भी 9 महीने हो चुके हैं, तो उसका भी हम आज उसके भी बाल काट देंगे। पानी आयुष आयुष
अरे भगा रहा है, भाग यहाँ से जाल। और अब लग रहा है उसको बुरा। जय कर दो आयुष, जय कर दो पिच, जय कर डबल फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सोमी का ये गीत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ मैं जाने वाली हूँ गिरजा देवी मंदिर, और वहाँ मैं आयुष के बाल जो है वो बहाने वाली हूँ, उसका भी ब्लॉग जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।